खबर ग्वालियर जिले से है, जहां जलालपुर में रहने वाले सुरेंद्र कुशवाहा ने गोवा में दो दिवसीय आयोजित वर्ल्ड कप कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद आज वह ग्वालियर लौटे, जहां पर क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि सुरेंद्र कुशवाहा मूल रूप से ग्वालियर के रुद्रपुरा के निवासी हैं और वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ग्वालियर ग्रामीण पद पर कार्यरत हैं। वहीं वर्ल्ड कप कराटे चैंपियनशिप गोवा में सिल्वर मेडल जीतकर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक ओर जहां देश का नाम रोशन किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पुर्तगाल के खिलाड़ी को हराकर मेडल पदक जीतकर खुशी का अनुभव किया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा खेल के क्षेत्र के साथ साथ फिल्मी जगत में भी नाम रोशन कर चुके हैं। इसके साथ ही वह गोवा में आयोजित प्रतियोगिता के लिए पिछले कई महीनों से अपने कोच के निर्देशन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके बाद आज जीत का श्रेय उन्होंने अपने कोच को दिया है। मैं गोवा फिल्म गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यहाँ 22 देशों की टीम आई थी, पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, भूटान, नेपाल और बाकी भी अन्य देशों की टीमें थी। बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और काता और कुंते में दोनों में एक में ब्राउन और एक में सिल्वर मेडल जीत के आया। कोच को ही भरोसा था क्योंकि कराटे के बारे में ना तो मेरे पड़ोसियों को पता था, ना मेरे दोस्तों को, ना मेरी फैमिली को, किसी को पता ही नहीं था कि ये कराटे सीखता है और ये कराटे खेलना जानता है। मैंने किसी को बताया ही नहीं था, सीक्रेट था। ये लोग दिल से बहुत अच्छा लग रहा, उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस किया है मैंने, जहाँ सोचा नहीं था वैसा किया, तो काफी दिल से खुशी है। संदेश मेरा यही है, जहाँ ज्यादा लोग मार्शल आर्ट को सीखे, ये गेम से जुड़े। इसमें क्या है, कैरियर के साथ में अपना खुद की जो आत्मविश्वास, आजकल जो शहर में क्राइम हो रही है उसको रोका जा सकता है। आजकल आपने सुना होगा छोटी छोटी बच्चों के खिलाफ क्या हो रहा है, यौन उत्पीड़न वगैरह बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो इसको रोका जा सकता है सिर्फ मार्शल आर्ट के द्वारा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट को सीखें।